इस बीच बिहार आपको लेकर चलेंगे। भागलपुर से हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर वोटिंग में हिस्सा लेने पहुंच रहे वोटर्स से निधि ने खास बातचीत की, दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 दूसरे चरण के लिए पोलिंग शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मैं भागलपुर के एक लोकसभा मतदान केंद्र के लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ और यहाँ एक आदर्श मतदान केंद्र के तौर पर किस तरीके से सजाया गया है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। हालांकि 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है और तमाम जो वोटर्स हैं उनसे अपील की जा रही है कि इस बार पिछले फेज यानी पहले फेज की तरह कम संख्या में वोटिंग ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर मतदान का हिस्सा लें। आप दोनों फर्स्ट टाइम? जी, पहली बार वोट देने आए हैं। इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि पहला जो वोटर है इस बार का, उसके लिए जरूरी मुद्दा क्या है? जरूरी मुद्दा है बिजली पानी। बिजली तो रहता ही नहीं है, अभी समर में देखिए बहुत बिजली कट रही है, तो वो काम कराने जाओ तो पहले घूस देना पड़ता है तब काम होता है। मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं है, बस गरीब को खुश कर दो, 1 किलो लड्डू दे दो, वोट ले लो। रोजगार आप लोगों के लिए मुद्दा है इस बार, आपको लग रहा है 2024 लोकसभा में काम बहुत बढ़ा है? कोरोना में जितना बेरोजगार बढ़ा है उतना रोजगार थोड़ी है। सर एक बार मुझे ये बता दे कि यहाँ के वोटर्स के लिए आप लोगों के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है? मुद्दा तो है यहाँ का विकास का। विकास, विकास। और वोट देने के लिए जब आप पोलिंग बूथ पर पहुँचे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखते हैं? सबसे पहले सुरक्षा है, देश हित है, देश सर्वोपरि है और आम आदमी की सुरक्षा है, सड़क है, परिवहन विभाग बढ़िया से रहे, यही सब मुद्दा है सबसे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मतदान केंद्र पर वोटर्स का मिजाज क्या है ये समझने की कोशिश अपने सहयोगी सी के सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज भागलपुर। तो भागलपुर का हाल आपने देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।